जय हिंद गाइस, कैसे हैं आप सभी लोग। गाइस आज की वीडियो में हम बात करने वाले हैं कि हम लोग कैसे अपने एंड्रॉइड डिवाइस में GTA 4 को डाउनलोड कर सकते हैं। तो GTA 4 अभी तक किसी भी एंड्रॉइड डिवाइस के लिए बना नहीं है, चाहे वो कितना ही बड़ा फोन हो और कितना ही छोटा फोन हो, लेकिन अभी तक GTA 4 किसी भी एंड्रॉइड या फिर किसी भी iOS डिवाइस के लिए बना ही नहीं है। लेकिन हम इसके मोड्स को अपने एंड्रॉइड डिवाइस में खेल सकते हैं। और मैंने अभी तक GTA 4 के ऊपर कोई वीडियो नहीं बनाया, भले ही मैंने GTA 5 के ऊपर वीडियो बनाई है, लेकिन मैंने अभी तक GTA 4 के ऊपर कोई भी वीडियो नहीं बनाई। तो मैं सोचा हूँ ठीक है, चलिए एक वीडियो बना भी देते हैं। और मुझे कमेंट्स में आई है कि GTA 4 को कैसे अपने एंड्रॉइड डिवाइस में डाउनलोड करें, GTA 4 के कुछ मोड बताइए, कुछ ऐसे कमेंट्स आ चुका है मुझे। तो मैंने सोचा ठीक है चलो एक वीडियो बना ही लेते हैं, आजमाई लेते हैं कैसा चलता है। तो आज मैं आप लोगों के लिए लेकर आया हूं GTA 4 का ये मोड, और ये मोड सिर्फ और सिर्फ आपको मिल जाएगा 230 MB में। मैंने डिस्क्रिप्शन में डाउनलोड लिंक आपको दे दी है, आप वहां से डाउनलोड कर लीजिए। और साथ ही साथ एक APK का भी लिंक दिया है, आपको APK भी डाउनलोड करना पड़ेगा जो कि मोडेड APK है, ठीक है। तो आपको दोनों को ही डाउनलोड करना पड़ेगा, अदरवाइज यू कैन इंस्टॉल दिस मोड एंड आपका एंड्रॉइड डिवाइस में पहले से ही GTA San Andreas गेम होना ही चाहिए, अदरवाइज यू कैन इंस्टॉल दिस मोड। ओके गाइस, सो इफ यू डोंट नो हाउ टू डाउनलोड GTA 4 GTA San Andreas इन योर एंड्रॉइड डिवाइस, तो मैंने डिस्क्रिप्शन में एक वीडियो का लिंक दे दिया है जो कि मैंने ही बनाया है। उस वीडियो को देख लीजिए और सीख लीजिए कि कैसे अपने एंड्रॉइड डिवाइस में GTA San Andreas गेम को डाउनलोड करना है। उस वीडियो में मैंने आपको पार्ट्स में बताया GTA San Andreas, डाउनलोड कर लीजिए, आपको बहुत ही अच्छा लगेगा वीडियो, आशा करता हूं मैं। और आप जो स्क्रीन पर भी वीडियो देख पा रहे हैं जिसमें मैं GTA 4 खेल रहा हूं, ये मैं नहीं खेल रहा हूं, ये मैंने दूसरे YouTube चैनल से लिया है, उसको मैं क्रेडिट दे दूंगा डिस्क्रिप्शन में, आप हो सके तो उसका चैनल भी सब्सक्राइब कर लीजिएगा। तो ये PC में खेला गया गेम है, ठीक है। तो आपको स्क्रीन पर दिख ही रहा होगा कि कोई बटन नहीं है स्क्रीन पर, जिसका मतलब है कि ये किसी अदर प्लेटफॉर्म में खेला गया है, लेकिन ये गेम जो है PC में खेला गया है, ये मैं आपको डायरेक्ट बोल देता हूँ, ठीक है। तो आप मत सोचिए कि आपको ऐसा गेम मिलेगा, ठीक है, इससे तो बहुत ही घटिया गेम मिलने वाला है आपको। और मैं इस मोड को बिल्कुल भी सपोर्ट नहीं करता हूँ गाइस, ठीक है। मुझे ये मोड उतना अच्छा नहीं लगा क्योंकि इस मोड में आपको रोड के टेक्सचर वगैरह कुछ मिला नहीं है, ठीक है, इसमें पहले बोल देता हूँ। अगर आपको अच्छा लगे तो डाउनलोड करिएगा, अगर अच्छा ना लगे तो डाउनलोड करिएगा, लेकिन वीडियो पूरा देख लीजिए ताकि आपको सभी कुछ समझ में आ जाए, ठीक है। ओके गाइस, तो विदाउट टाइम वेस्टिंग लेट्स गेट स्टार्टेड। जय हिंद, मैं JD आपका स्वागत करता हूँ आपके अपने चैनल टेक्सिंग गेमर JD में। रियल वीडियोस फॉरएवर, फेक वीडियोस नेवर एवर। तो अभी चलिए शुरू करते हैं। जेड आर्काइवर एप्लीकेशन प्ले स्टोर से अपने नीचे दिए लिंक से डाउनलोड कर लीजिए, फिर उसको सिंपली ओपन करिए। यहाँ पे शुरुआत में जाइए अपने एंड्रॉइड के फोल्डर में, यहाँ अपने OBB के फोल्डर में, और यहाँ पे आपको एक फोल्डर मिलेगा com.rockstargames.gtsr, आप इस पर क्लिक एंड होल्ड करिए। क्लिक करने के बाद आप यहाँ पे जाइए कट, कट करने के बाद करिए एक बार बैक और इसको यहाँ पे पेस्ट कर दीजिए। जैसे ये पेस्ट हो जाता है, आप वापस अपने होम स्क्रीन पर आके आपका जो नॉर्मल GTA San Andreas का APK है, आप उसको सिंपली कर लीजिए अनइंस्टॉल। जैसे ही आपके APK अनइंस्टॉल हो जाता है, आप सिंपली वापस अपना Zed Archiver एप्लीकेशन ओपन कर लीजिए, या वो फोल्डर ओपन करिए जाके आपने APK और डाटा फाइल को डाउनलोड मेरे दिए हुए लिंक से, जो कि आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। ओपन करिए फोल्डर, यहाँ पे जो APK दिया है मैंने आपको डिस्क्रिप्शन में, उसको डाउनलोड करके APK को इंस्टॉल कर लीजिए। जैसे ही आपकी APK इंस्टॉल हो जाती है, आपको इंस्टॉल होने के बाद सिंपली क्लिक करना है डन पे। डन पे क्लिक करने के बाद आप एक बार जाइए बैक, और आपने जो com.rockstargames.gtsr मूव किया था, आप उस पर फिर से क्लिक एंड होल्ड करिए, इसको फिर से कर लीजिए कट। कट करने के बाद जाइए OBB और इसके यहाँ पे पेस्ट कर दीजिए। आपके APK तैयार है, आप इसमें क्लियर मोड्स को इंस्टॉल कर सकते हैं, ठीक है। लेकिन आपको अब GTA 4 इंस्टॉल करना पड़ेगा, तो फिर से वही फोल्डर ओपन करिए। तो डिस्क्रिप्शन में आपको GTA 4 by TextSim.7z का फोल्डर मिल जाएगा, मतलब फाइल मिल जाएगा, उस पर क्लिक करिए। डाउनलोड करने के बाद फिर यहाँ पे एक्सट्रैक्ट, फिर यहाँ से बैक चले जाइए, यहाँ पे आप अपने एंड्रॉयड, यहाँ पे डेटा का फोल्डर, ठीक है, डेटा के फोल्डर को आपको ओपन करना पड़ेगा और इसको यहाँ पे एक्सट्रैक्ट कर देना पड़ेगा। लेकिन आपसे ये पासवर्ड आएगा जो कि मैंने लगाया, पासवर्ड रिक्वायर्ड है यहाँ पे। तो पासवर्ड यहाँ पे आपको टाइप करना पड़ेगा फुल कैपिटल लेटर में, टाइप करिए टेक्सिम स्पेस ऑटो, मैं कुछ और रखना चाहता था लेकिन यही हो गया, डन, ओके। तो अब आपका एक्सट्रैक्शन जो है स्टार्ट हो जाएगा। जैसे एक्सट्रैक्शन कंप्लीट हो जाती है, होम स्क्रीन पर आके अपने GTA San Andreas का APK ओपन कर लीजिए जो कि आपने थोड़ी देर पहले इंस्टॉल किया है, ठीक है। हमने शुरू से लेके एंड तक इंटरनेट का इस्तेमाल नहीं किया और हम आगे भी नहीं करने वाले हैं, इसमें आपका 1 KB भी डाटा नहीं चाहिए, ठीक है, फुल्ली फ्री आप इसको प्ले कर सकते हैं ऑफलाइन।
और यही से शुरू हो जाता है आपका GTA 4। आप यहाँ पे देख सकते हैं, यहाँ पे दिखा रहा है आपको GTA 4। तो आप यहाँ से स्टार्ट गेम करिए सिंपली। लेकिन मैं आपको पहले बता दूँ, मैं आपको ठीक से इसका गेम प्ले नहीं दे पाऊंगा, ठीक है। गेम स्टार्ट करते हैं, मैं आपको उतना दिखा देता हूँ, ये देखिए यहाँ पे, लेकिन मैं आपको इसका गेम प्ले नहीं दे पाऊंगा। अगर आपको इसका गेम प्ले चाहिए तो आपको नीचे सिंपली कमेंट करना पड़ेगा, कमेंट करने के बाद ही मैं आपको इसका गेम प्ले दूंगा। लेकिन मेरे हिसाब से तो मुझे भी ये मोड उतना पसंद नहीं है भाई, बिकॉज इसके जो है रोड के टेक्स्चर इतने अच्छे नहीं है। रोड जैसा था GTA San Andreas में वैसा ही है, आप लोग देख सकते हैं यहाँ पे ट्रेन के पटरियाँ ये सब भी। अगर आपके डिवाइस में गेम हैंग करता है तो आपको यहाँ पे सेटिंग्स हो जाएगा, डिस्प्ले सेटअप पे जाना है और रेजोल्यूशन, जो रेजोल्यूशन और ड्रॉ डिस्टेंस है दोनों को 50-50 कर देना है, ठीक है। 50 या फिर 51-52 ऐसा कुछ कर सकते हैं, ठीक है, अगर आपके डिवाइस में गेम लैग करता है, ठीक है। अब हम आगे की बात करते हैं, रेजोल्यूशन और ड्रॉ डिस्टेंस को 50-50 कर दीजिए, 49-50 कुछ भी कर सकते हैं। यहाँ से वापस अपने गेम ओपन करिए। अब आप इसमें क्लियो चीट भी यूज़ कर सकते हैं और ड्रॉ डिस्टेंस वैसे वो कोई बात नहीं है, आप यहाँ पे सिंपली अपना क्लियो चीट भी यूज़ कर सकते हैं क्योंकि आपने मॉडर्न एपी के भी इंस्टॉल किया है, ठीक है। आपको क्लियो चीट कैसे यूज़ करनी है वो मैं आगे दिखाता हूँ। आप जाइए अपने गेम में, तो यहाँ पे आपको जो है ऊपर से नीचे एक बार करना पड़ेगा स्वाइप, करिए स्वाइप ऊपर से नीचे और यहाँ पे आपका जो है क्लियो मेनू आ जाएगा। इसमें एक ही बात मुझे अच्छी लगी, इसमें क्लियो चीट्स बहुत ज़्यादा है, इसमें 3 पेज क्लियो चीट्स आप लोग देख सकते हैं, यहाँ पे 3 पेज है, इसलिए मुझे ये ज़्यादा अच्छा लगा, लेकिन क्योंकि बाकी मोड्स में इतना नहीं रहता है। यहाँ पे आपको व्हीकल स्पॉन मिल जाता है और आपको इसमें न्यू कार्स और बाइक्स भी मिल जाएगी, ठीक है। जैसे देखिए VF 400 जो है, ये देखिए बाइक यहाँ पर दिखा नहीं रहा है क्योंकि मैं आप में खड़ा हूँ, इसलिए गाड़ी देखिए गिर जा रही है बार बार। लेकिन अगर आपको इसमें गेम प्ले चाहिए तो आपको मैं बाद में दे दूँगा, ठीक है। आप नीचे सिंपली कमेंट कर दीजिएगा कि हमें इसका गेम प्ले चाहिए, मैं आपको गेम प्ले दे दूंगा, ठीक है। आशा करता हूँ वीडियो आपको अच्छी लगी होगी। अगर वीडियो अच्छी लगे तो जरूर वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, हमारे चैनल में सब्सक्राइब करें। वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, हमारे चैनल सब्सक्राइब करें, बेल का आइकन को प्रेस करें। पुराने वीडियोस का लिंक डिस्क्रिप्शन में उन्हें भी देखिए। मिलता होगा साथ अगली वीडियो में एक ब्रांड न्यू वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत एंड वंदे मातरम, बाय। You don't really want that Glock, boy. You don't really want to build a